नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो सभी जगह उपलब्ध हो जाती है। इस वनस्पति के द्वारा सभी प्रकार के बुखार, गले के रोग, पाचन तंत्र की समस्या, खांसी, मूत्र संबंधी विकार, ल्यूकेरिया, अंडकोश की सूजन, सूजाक, जोड़ों का दर्द, सफेद दाग, चेहरे की झाइयां आदि अनगिनत रोगों को दूर करती है। इस वनस्पति का नाम है अपराजिता। इस वनस्पति की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह अपराजिता का पौधा है और इसकी काफी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। सफेद फूल वाली, नीले फूल वाली, सफेद और नीले फूल वाली, सिंगल फूल वाली और दोहरे फूल वाली, सभी प्रजातियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इनके फूलों के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। सभी प्रकार की वनस्पतियां लगभग समान गुण रखती है, लेकिन सफेद और नीले पुष्प वाली का अधिक औषधीय प्रयोग किया जाता है। हमारे पास ये नीली और सफेद वाली है जो विशेष गुणकारी मानी जाती है। यह भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखी जा सकती है और घरों में भी इसको लोग लगाकर रखते हैं। इसके फूल काफी सुंदर होते हैं। काफी सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी खूब गणना की गई है। इसके ऊपर पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, वह वीडियो भी आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वनस्पति के भी काफी सारे विभिन्न भाषाओं में नाम है, जिनकी जानकारी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे पढ़ के आप इसके अन्य भाषाओं को जान सकते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है क्लाइटोरिया टर्नेशिया। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना। आयुर्वेदिक मतानुसार यह वनस्पति वात पित्त कफ को दूर करने वाली, बुद्धि बढ़ाने वाली, सूजन दूर करने वाली, बुखार, सिर दर्द, खांसी आदि में लाभकारी होती है। तो चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसकी पत्तियों को मसलने पर खूब सारा रस निकलता है। इस रस को आप माथे पर लेप करते हैं तो आपके माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है। इसके पत्तों का रस दो दो बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। इस वनस्पति की जड़ बहुत ही काम की होती है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जड़ यदि गले में बांध दी जाए तो पीलिया रोग दो दिन में ही खत्म हो जाता है और पुराने से पुराना बुखार भी इसकी जड़ मात्र गले में बांध देने से ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप इसकी जड़ उखाड़ेंगे तो फिर यह पेड़ नष्ट हो जाएगा, इसलिए जरूरत हो तभी इसका प्रयोग करें, वरना इसके पत्तों का प्रयोग भी किया जा सकता है। बुखार हो जाने पर इसके पत्तों को पीसकर माथे और पैर के तलवों पर लेप कर देने से बुखार ठीक हो जाता है। इसके फूलों की चाय बनाकर भी पी जाती है। इसके दो तीन फूलों को लेकर पानी में चाय की तरह उबाल कर पीने से गले के रोग ठीक होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसके फूल और पत्तों को पीस कर गंडवाला पर लेप कर देने से गंडवाला में आराम मिल जाता है। सभी प्रकार की सूखी खांसी, गीली खांसी और श्वास रोग की समस्या में इसके पत्तों को सुखा कर बारीक चूर्ण बना लें और 1-2 ग्राम मात्रा में चूर्ण में शहद मिलाकर चाटने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। अपराजिता की फलियां इस प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर काफी सारे बीज निकलते हैं। अपराजिता की फलियों से निकलने वाले बीजों को आग पर भूनकर लगभग 1-2 बीज को बकरी के दूध या फिर शुद्ध गाय की देसी घी में पीसकर खाने से पेट की समस्याएं दूर होती हैं, जैसे कि जलोदर, अफारा, पेट में गैस बनना, पीलिया रोग और पेट दर्द में आराम मिलता है। इसकी पत्तियों के 3-6 ग्राम चूर्ण को छाछ या फिर मट्ठे के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। अपराजिता की जड़ को 1/2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चावल के धोबन के साथ सेवन करने से मूत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं और यह पथरी को भी निकाल देता है। अंडकोश की सूजन में इसके पत्तों को पीसकर गुनगुना करके लेप करके ऊपर से पट्टी बांध देने से अंडकोश की सूजन की समस्या ठीक हो जाती है। इसके पत्तों को पीसकर यदि जोड़ों के दर्द पे लेप किया जाए तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। यह वनस्पति और भी काफी सारे अनगिनत रोगों में उपयोग की जाती है। आंखों की समस्या, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए इसके फूलों को पीसकर चेहरे पर लगाया जाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये काम आती है। महिलाओं में ल्यूकेरिया, सफेद पानी की शिकायत में इसके पत्तों को पीसकर सेवन करने से लाभ होता है।
मधुमेह वाले इसके पत्तों का सेवन करें तो मधुमेह ठीक होने लगता है। यह दिमाग को तेज करती है तथा डिप्रेशन को दूर करती है। हृदय को बल देती है। अस्थमा में इसका प्रयोग किया जाता है और बुखार को दूर करने में यह बहुत ही लाभकारी होती है। इसके फूल, पत्ते, जड़, तना और टहनियां सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या विचार है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।